एक बार फिर से आप सभी को योगाचार्य हेमलता शर्मा का बहुत बहुत नमन प्रणाम। आज फिर से हम आगे बढ़ते हैं कि पतंजलि योग सूत्र हमें क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, और उनको जानकर, उसके अंदर छुपे हुए मैसेज को जानकर हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि साधन पाद के अंदर क्रिया योग क्यों आवश्यक है, क्रिया योग है क्या, इसको कैसे सूक्ष्म किया जा सकता है, तनु किया जा सकता है, और आगे और उपाय बताते हैं वो क्लेशों को तनु करने का। जो क्लेश है हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इसको और कैसे कम कर सकते हैं, तो और कैसे कम कर सकते हैं इसका उपाय बताते हैं। तो आगे वो कहते हैं प्रतिप्रसव के द्वारा भी हम इसको कम कर सकते हैं। बार 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 अभ्यास करके, निरंतर प्रैक्टिस करके हम इसको उत्पत्ति और विकास करके उसको कम कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है और बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम इसको तनु कर सकते हैं, सूक्ष्म कर सकते हैं। अब ध्यान कैसा होना चाहिए? बहुत उच्च कोटि का ध्यान हो, जहाँ पे वृत्ति बिल्कुल ना हो। वृत्ति यानी ना अच्छी ना बुरी, दोनों ही क्लिष्ट अक्लिष्ट, मतलब बिल्कुल विचार रहित आप हो जाएं। ऐसी उच्च कोटि की ध्यान अवस्था यदि आपके पास होगी तो स्वतः ही कोई विचार ही नहीं आएगा। तो आपके जो क्लेश हैं, जो हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करे रहते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देते, तो उन क्लेशों को समाप्त करने से कहीं ना कहीं हमारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ज़्यादा ओवरथिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग, ये सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएगी। तो हमें करना क्या है? प्रतिप्रसव के द्वारा और ध्यान के माध्यम से हमें उस अवस्था तक, उस उच्च कोटि की अवस्था तक अपने चित्त की स्थिति को ले जाना है, जहाँ पे वृत्ति रहित हो जाए वो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे उन्होंने भी ये वाला उपाय बताया है, जैसा कि भगवद गीता कहती है, आगे पतंजलि योग सूत्र में भी यही कहा गया है कि क्लेशों का मूल कारण आपके कर्म है। कर्माशय का मूल क्या है? क्लेश है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दिखाई देने वाला कर्माशय कौन सा है? जो अभी हम जी रहे हैं वर्तमान में, और दिखाई नहीं देने वाला भूत और भविष्य में, जो कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता है। तो हमें आगे समझाया गया है कि कर्माशय जो है हमारा, हम कर्मयोनि में है, प्रारब्ध के हिसाब से हमें अपने जो संस्कार, हम इस जन्म के, पिछले जन्म के जो संस्कार हम पिछले जन्म के संचित करते हुए आ रहे हैं, उनको भोगने तो पड़ेंगे। ऐसे मूल कर्माशयों कहा जा रहा है, और आगे कहा जा रहा है देख सकते हो जिनको नहीं देख सकते। तो हम सबको पता है कि हम अपने वर्तमान को तो देख सकते हैं, पर अपने भूत और भविष्य को नहीं देख सकते। वापस रिवाइंड करके हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, और ना ही अगले पल क्या होगा ये हम देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कर्माशयों के आधार पर जैसे हम एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो कर्म का जो घड़ा है वो भरता जाता है। कर्माशय के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निश्चित होता है कि जाति क्या होगी। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आपकी आयु कितनी होगी और आपको भोग कौन कौन से आप भोगेंगे, ये पूरा सुनिश्चित है। तो हमें क्या करना है? हमें इसे सीख लेके, ये जो कह रहे हैं कि हम प्रारब्ध के हिसाब से जो भी हमें मिला है उसको हम, ये भोग योनि है, इसमें हमें भोगना है और अच्छे कार्य करते हुए भोगना है, ताकि अगला हमारा जन्म सुधरे और हम अच्छे कार्य कर पाए। जैसे कर्म हो गए वैसे ही हमारा, हमको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा अगले जन्म में, तो अच्छे भी हो सकते हैं तो पाप और पुण्य भी हो सकते हैं। और उसके आधार पर ये आपको आनंदमय जीवन भी मिल सकता है, और आपको तापों से भरा हुआ जीवन भी मिल सकता है, ताप यानी दुखों से भरा हुआ जीवन भी मिल सकता है। तो ये हमें मैसेज दे रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आप, हम और हम सभी कर्म योनि में हैं, तो अपने कर्म अच्छे रखें, और कर्म के आधार पर ही जो भी आज हम हैं वर्तमान में, वो कर्म के आधार पर हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म करे। इस बात की सार्थकता को हम समझें, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ें, जो हमारे पास है वो बहुत बढ़िया चीज है, और उसको आनंद लें, उसमें अपने अच्छे करके दिखाएं। परिणामों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, ताप के द्वारा जो हमें दुख होते हैं, इन तीनों के द्वारा मिलने वाले जो हमें वृत्तियां हैं, जो हमें दुख हैं, वो एक विवेकी पुरुष के लिए भी दुख ही रहते हैं। ये बात हमें समझा रहे हैं। और आगे बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं हमें कि भूतकाल में जो भी हो गया, पास्ट में
जो भी दुख आने थे हमारे जीवन के अंदर आ गए। वर्तमान हमें पता है यदि दुख हैं या सुख हैं उसको भी हम भोग रहे हैं, दुख है या सुख है, और वो तुरंत ही आपका भूत बन जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें, यानी भूतकाल में चला जाएगा, पास्ट बनता जाएगा, प्रेजेंट आपका हर पल, आपकी हर एक श्वास भी आपकी पास्ट बन रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम अभी जो हमने भोग लिया अपने भूतकाल के अंदर वो भोग लिया, वर्तमान जो चल रहा है वर्तमान हल पर भूतकाल की तरफ जा रहा है, और भविष्य में हमें दुख ना आए तो हम क्या करेंगे, जो अभी वर्तमान है उसमें कितने अच्छे संभव कार्य हम कर पाए कि भविष्य में दुख ना आए। तो फिर ये मैसेज दिया जा रहा है कि यदि आप बिखरे हुए रहे अंदर से और आपने अपने चित्त पर काम नहीं किया, अपने माइंड पर काम नहीं किया, तो श्योरली 100% आपको भविष्य के अंदर आपको उसका भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, चेतना जागृत नहीं होगी। ये बाहरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें वो आपको फंसा के रखेगी और आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक हेल्दी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो जब हेल्दी डिसीजन नहीं होगा, अविवेकपूर्ण कार्य आपसे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बनेंगे। तो हमें भविष्य में दुख ना आए इसके लिए हमें क्रिया योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अपने प्रतिप्रसव के माध्यम से हमें इन कलुषों को तनु करना चाहिए। और समझदार होते हुए जितने जल्दी हम विवेक को जागृत कर लें, चेतना को जागृत कर लें, जीवन क्या है, इसको किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए हम अवेक हो जाएं, अवेकनिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ लें, वो जितना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, ताकि भविष्य में हम इतने उलझेंगे नहीं जितने हम पास्ट में उलझे थे। बहुत बड़ी बात इसके नेक्स्ट वाले सूत्र में कही जा रही है, साधन पाद के अंदर ही, कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों का संयोग ही दुख का कारण है। है का मतलब दुख। तो प्रकृति और पुरुष इनको एक मान लेना, प्रकृति को समझना नहीं, और ये मान लेना कि ये सब कार्य मैं कर रहा हूं, तो ये जो मैं जो भावना है मेरे द्वारा हुई गई है, मुझ पे हुई गई है, मेरे साथ हुई गई है, यही दुखों का कारण है, हमारे एक्सपेक्टेशंस। तो कहीं ना कहीं जब तक प्रकृति हमारा, जो प्रकृति प्रदत्त हमारा जो शरीर है वो पुरुष के साथ संयोग में रहेगा, तब तक हम ये जो मां भाव है उससे हम उभर नहीं पाएंगे। आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, आत्मा कभी दुरात्मा नहीं होती, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। कमजोर कौन बनाता है? हमारी मनस्थिति, बाहरी परिस्थितियां, खुद को नहीं समझना, खुद पे काम नहीं करना और एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करना जीवन के प्रति, तो वो क्या करती है, हमारे आत्मबल को कमजोर बनाती है। और आत्मा की तरह तक तो हम पहुंचते ही नहीं है, कभी अपने सपने आपके साथ बैठते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं, सब में इतना विवेक है, ज्ञान है कि ये जो शरीर बैठा है, इस शरीर के अंदर परमात्मा का अंश आत्मा निवास करती है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो कैसे कमजोर हो सकती हैं, वो कैसे गलत डिसीजन ले सकती हैं। तो इस अविद्या का जो आवरण है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसी दुनिया दिखेगी, काला लगा लो काली दिखेगी, हरा लगा लो हरी दिखेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि चश्मा हटा के देखना है, यानी थोड़ा सा ये बाहरी दुनिया का जो आवरण, जो हमारे विवेक पे जो पूरा पर्दा पड़ा हुआ है माया जाल का, इससे बाहर निकलकर हमें अहम क्या है इस बात को हमें आत्मसात करना है। तो जैसे हम ये जान जाएंगे, हम कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, सत्पर्वतियों की तरफ आगे बढ़ेंगे, सद्भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे और सात्विक गुणों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सारा चैप्टर आधारित है इसी पर कि हमारे दुखों का मूल कारण अविद्या है। जब तक हम अविद्या को अपने अंदर बैठाए रखेंगे, हम क्या हैं, जीवन क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जब तक वो इस स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक
हम इसी माया जाल के अंदर फंसे हुए रहेंगे और ये माया जाल हमें फंसाए रखेगा जीवन के अंतिम श्वास तक, और कोई नहीं बोलेगा हमें कि हम जागृत हो जाएं। जागना स्वयं को ही पड़ेगा। माध्यम सब, रास्ता आपको बतला सकते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा, आलस त्यागना होगा, अपने आप को समझना होगा। यह है हमारा ट्रेडिशनल योग, यह है हमारा जीवन का विज्ञान जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि जीवन को सुधारना चाहते हो तो अपने आप को समझ जाओ, प्रकृति कैसी काम करती है इसको समझ जाओ, और आप क्या हो उसको समझ जाओ, तो जीवन सरल हो जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा। तो स्वतः ही अविद्या का नाश होने से आपके जो क्लेश हैं, अविद्या तो है ही अपने आप में क्लेश, बाकी जो भी क्लेश हैं, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये सारे धीरे 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 क्लियरिटी आती जाएगी, तो फिर हम इतने फंसी नहीं होंगे और जीवन अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, प्रसन्नता आनंद से भरा हुआ रहेगा, और जो है दी बेस्ट है। तो ये बात हमें समझनी होगी, ये बहुत बड़ी अपने आप एक दर्शन है, योग दर्शन है ये, जो हमें एक विचारधारा है जो हमारे विचारों को परिवर्तन करके रख देती है। तो वास्तव में हमें ऐसा सोचना चाहिए, थोड़ा सा अब स्वयं की काउंसलिंग करनी चाहिए, बैठना चाहिए अपने आप के साथ। चलिए आगे हम और चर्चा करेंगे, अब तक के लिए धन्यवाद, और अपने जीवन को सुधारते रहिए योग शास्त्रों के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, और सभी खुश रहिए। नमस्कार।